सब्सक्राइब कीजिए विद्या चैनल को और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए ताकि सबसे आपको आगे वीडियो मिले। हेलो एवरीवन, सो विद्या में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो आज जिस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं वो कुछ वेज कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोग जानने वाले हैं जहाँ से आप काम करके ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। सो वीडियो शुरू होने से मैं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ऐसे करके कुछ सीरीज बनाऊंगा। सो आप जाके देख सकते हैं, मैंने पार्ट वन एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। सो वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको ऐसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे और ऐसे वीडियोस भी मिलेंगे आपको जो कि काफ़ी स्पैम है, जो कि व्यूज़ पाने के लिए ऑडियंस रिटेंशन पाने के लिए मतलब ऐसे ऐसे स्टेटस दे देता है यूट्यूबर कि जो कि काफ़ी स्पैम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ टू अर्न मनी इन 5 मिनट्स, हाउ टू अर्न मनी हाउ टू अर्न 10 to 15,000 विद इन 1 आवर। सो ये टोटली बकवास है, कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है पैसा कमाने का। आप काम कीजिएगा तो आपका अगर स्किल्स रहती है, आपका अगर अच्छी क्वालिफिकेशन रहती है, सब ज़रूर आराम से पैसा कमा सकते हैं। सो आज हम लोग कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में जानने वाले हैं जहाँ पर आप जाके आराम से पैसे कमा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, वो है कि आपको अच्छे से बायो डाटा आपको अच्छे से बनाना पड़ेगी। सो ऐसे जैसे हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, जो दिखता है बिकता है, सही में ये रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। सो मैं कुछ 3 प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा आप लोगों को जहाँ पर आप जाके अपने अच्छे से बायोडाटा बना के आप काम कर सकते हैं। सो मैं 3 बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा upwork.com के बारे में, नंबर 2 freelancer.com के बारे में और नंबर 3 जो कि काफ़ी पॉपुलर है LinkedIn के बारे में। सो upwork.com में आप जाके क्या कर सकते हैं? सो upwork.com में सिर्फ आप काम कर ही नहीं सकते, आप अगर आपका कुछ प्रोजेक्ट है आप प्रोजेक्ट डाल भी सकते हैं जो कि आप हायर भी कर सकते हैं फ्रीलांसर को एंड आप काम भी कर सकते हैं। सो अब इजी प्रोसेस है, आपको जाके आपको साइन अप करनी पड़ेगी एंड सबसे मैं बार बार एक चीज़ बताऊंगा आप लोगों को कि सबसे मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वो है कि आपका बायो डाटा काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। सो आप क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आराम से कीजिए। आपको अगर कुछ फॉर्मेट चाहिए रिज्यूमे फॉर्मेट तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको ईमेल आईडी डालिए, मैं आपको भेज दूंगा। सो upwork.com में आप कर सकते हैं कि आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रहती है, लोगो मेकिंग, डाटा एंट्री, वेब डेवलपिंग, काफ़ी सारे मतलब A to Z काम रहती है। सो आप काफ़ी जो सपोज़ मेरे को कुछ काम करवानी है, सो मैं जाके प्रोजेक्ट डाल देता हूँ upwork.com में और आपको काम लेनी है तो आप जाके काम ले सकते हैं। सो ये हो गया upwork.com के बारे में। सो और एक अच्छी चीज़ है upwork.com के बारे में जो कि जो ट्रांजैक्शन होती है वो ट्रांजैक्शन आप upwork.com से ही होती है, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। सो एक अच्छा फीचर्स है upwork.com की। और नंबर 2 हम लोग freelancer.com के बारे में जानने वाले हैं। सो freelancer में भी सेम होती है। सो freelancer में आपको एक न्यू टर्म है जो कि बीडिंग बोल के जाना जाता है। सो आप सपोज़ कोई काम दिया और उस काम के लिए उन्होंने दिया हुआ कि अब मैं इस काम के लिए मैं $30 दूंगा। सो $30 सो काफ़ी सारे फ्रीलांसर है जो कि सपोज़ कोई $20 में भी काम कर सकता है, कोई $5 में भी काम कर सकता है, कोई और भी ज़्यादा डॉलर मतलब डिमांड कर सकता है। सो ऐसा नहीं है कि कोई अगर सपोज़ $30 मैंने दिया मेरे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तो कोई अगर $20 कम उसके कम अकॉर्डिंग दे देता है, सपोज़ कोई $20 में काम करने के लिए राज़ी हो जाता है तो सर ऐसा नहीं है कि जो काम किया है वो हायर कर लेगा उसको, क्योंकि एक्सपीरियंस भी काफ़ी मैटर करता है, जो स्किल्स है वो भी काफ़ी मैटर करता है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। freelancer.com अच्छा वेबसाइट है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, काम दे भी सकते हैं। और नंबर 3 आप LinkedIn में जाके काम कर सकते हैं। सो LinkedIn में काफ़ी अच्छी फीचर्स है, वो है कि एंडोर्समेंट। सपोज आपका कुछ स्किल्स है, सो उस स्किल्स सपोज आपको अच्छी SEO आती है, वेब डेवलपमेंट आती है एंड वो मेरे को पता है कि आपको अच्छी वेब डेवलपमेंट पता है, सो मैं आपका स्किल्स को एंडोर्स कर सकता हूँ। एंडोर्समेंट मतलब मैं रेफर कर रहा हूँ आपको कि हाँ इस बंदा का अच्छा क्वालिफिकेशन, अच्छा स्किल्स है।
लिंक्डइन में भी आप अच्छे से कर सकते हैं। लिंक्डइन में आपको पार्ट टाइम फुल टाइम काफ़ी सारे जॉब्स मिल जाएंगे। ये तीनों प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप आराम से जाके देख सकते हैं, लेकिन बायोडाटा अच्छा से बनाइए। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। और मैं और भी काफ़ी वीडियोस बनाऊंगा जहाँ पर मैं और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने तीन प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताया। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ एक घंटा बजा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो बाय बाय, खुदा हाफिज़।